मॉम की मोहब्बत, उनकी कुर्बानियों का ये सलाह दे रही हो तुम? कैसी बातें कर रही हो तुम? जो तुम छुप छुप कर रही थी ना, मॉम ने सब कुछ सुना और मॉम ने मुझे बताया है। अगर ये कोई और मुझे बताता ना सुमन, मैं यकीन नहीं करती, लेकिन ये मुझे मॉम ने बताया है। मैं तो तुम्हें बड़ा सीधा साधा समझती थी, अल्लामिया की गाय समझती थी, तुम तो बड़ी शातिर निकली। तमीज से बात करो अंबर, बड़ी बहन हूँ मैं तुम्हारी, और तुम्हें किसने कहा कि सादे लोग मोहब्बत नहीं कर सकते? मोहब्बत करती हूँ मैं आली से, और उनसे शादी करना चाहती हूँ। और पसंद की शादी की तो अल्लाह भी इजाजत देता है। देता है, बिल्कुल अल्लाह पाक देता है इजाजत, लेकिन थोड़ी कंपैटिबिलिटी भी तो देखता है इंसान। क्या मतलब? अच्छा छोड़ो, मतलब इधर तुम मोबाइल अपना। क्यों, क्यों दूं मैं मोबाइल? क्योंकि मॉम नहीं चाहते कि तुम इससे कॉन्टेक्ट करो। अगर मामा नहीं चाहती तो वो मुझसे खुद फोन ले लेंगे। तुम्हें ज्यादा जासूस बनने की जरूरत नहीं है। करूंगी जासूसी, मॉम परेशान है तुम्हारे लिए, मॉम कंसर्न है तुम्हारे लिए। उन्होंने मुझे बनाया तुम्हारा पहरेदार, समझी? जो वो बोलेंगी मैं वही करूंगी। दे दो सेल फोन। अंबर, अंबर तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। मुझे ना उन बहनों की तरह मत समझना जो कि गलत कामों में साथ देती है अपनी बहनों का। गलत बात कर रही हो तुम। जो झूठी मोहब्बत की पट्टी उसने तुम्हारी आंखों पे बांधी ना, जब तक वो उतरेगी नहीं ना संभल, तब तक हर कोई तुम्हें गलत लगेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। अंबर, अंबर प्लीज, अंबर प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकती अपनी बहन के साथ। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? अगर ये खुरम जैसा होता, खुरम जैसा हैंडसम होता, खुरम जैसा पैसे वाला होता, अमीर का भी रोता, तुम्हें थोड़ा सोचते भी तुम्हारा साथ देती सुमुल। देखो सुमुल, मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब तुम चली जाओगी ना खुरम भाई के घर रुखसत होकर, तुम इंशाल्लाह वहाँ पे इतना खुश होगी, इतना खुश रहोगी, इतनी अय्याशी करोगी कि ये चार दिन की मोहब्बत तो भूल जाओगी तुम। अंबर, और मेरी नजरें ना तुम पर हैं, मॉम को बता दूंगी सब कुछ।